करूं, मम्मा तो सो रही है, उठाऊं या ना उठाऊं? क्या मतलब इजी है, देख रही हूं मैं सो रही हूं। अब पुत बन के क्यों खड़ी हो, कुछ बोलो। मम्मा आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और मेरी टीचर आपसे मिलना चाहती हैं। पेरेंट्स प्रोग्रेस के बारे में बात करें। अच्छी ही प्रोग्रेस होगी, फीस देते हैं उन्हें तो क्या इतना ध्यान नहीं रखेंगे टीचर्स? तो ये हर महीने अगर मीटिंग होने लग गई ना, हो गए काम सारे। क्या हो गया है? सुबह सुबह बच्ची पे क्यों बरस रही हो? एक स्टूपिड सी पेरेंट्स मीटिंग के लिए से मेरी नींद खराब कर दी है। मतलब पता है इसे कि ऑफिस का काम करते लेट नाइट हो गया था मुझे सोते सोते। तो पेरेंट्स मीटिंग होगी ना, चली जाओ स्कूल। अच्छा तो तुम जाके अटेंड कर लो पेरेंट्स मीटिंग, अकेली पेरेंट मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। मेरी जिम्मेदारी घर चलाने की, घर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यस साबित प्लीज, मुझे सुबह सुबह तुमसे कोई बहस नहीं करनी। शैनिला, शैनिला, शैनिला। जी 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 मान ली थी। कहाँ मर गई थी तुम? अर्शी बेटा का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। अच्छा ठीक है, अर्शी को स्कूल छोड़ने जा रही हो ना, उसकी टीचर से भी मिल लेना। मैं मान दीजिए संभालती हो ना इसे, जिम्मेदारी है ना, तो ले जाओ, अब जाओ। हाँ जी बेटा, स्कूल से दे रही थी। वेरी फर्स्ट डे उनके घर में कुछ ऐसा सेटअप होता है कि वो एक केयर टेकर रख देते हैं और नैनी या हाउसमेट टाइप का एक उनके पास बंदा बंदी होता है, कोई फर्द जो उस बच्चे को लुक आफ्टर करता है। अच्छा, और अपने सराउंडिंग में देखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो उसको फिर दूसरे लोग नज़र आते हैं सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, और उन चीज़ों को वो इनडायरेक्टली वो चीज़ें उसके माइंड में जाना शुरू होती हैं। उसके नतीजे में होता ये है कि बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को नोट करता है कि इस बच्चे की तो जो वालदा हैं यानी मॉम हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, फादर बहुत ज़्यादा करीब हैं, प्यार करते हैं, हग करते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे हफ्ते में एक दफ़ा ही टाइम मिलता है, मुझे रात में चंद मिनट के लिए ही टाइम मिलता है। तो इससे फिर बच्चे के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल डिवेलप होना शुरू होता है, बच्चा कंपैरिजन की तरफ जाता है। अरे देखेंगे जवाब सही है क्या? बिल्कुल ठीक लिखे है। फिर टीचर ने क्यों काटा है? अरे नैनी आप गलत जवाब को सही कह रही हैं, मार पड़वाएंगी क्या? अरे दो हजार जमाते पड़े हुए हैं, आजकल की पढ़ाई से तो बच्चा बहुत मुश्किल है। अब मेरे होते हुए तुम्हें कौन मार सकते है? किसी की हिम्मत है जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखे? ये तुमने बनाया? इसको ड्राइंग बुक कहते हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन है? कौन कौन है? ये अब्बू है, ये अम्मी है और ये मैं हूँ। ये कौन है? ये प्यारी नैनी माँ है। मैं हूँ, लेकिन मेरी तस्वीर क्यों बनाई है? क्योंकि आप भी हमारी फैमिली मेंबर हैं। जिसके औलाद को चार बजे भी सुकून नहीं है। शाम बहुत आ गई है, जो अभी रात का दरवाजा पीट रही हो। अर्शी दीदी की तबीयत बहुत खराब है,
उनके पेट में शदीद दर्द और तेज बुखार है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता भी है ना कि उसको ऑफिस जाना है हमें। तुम जाओ, नींद खराब मत करना, जाओ। ओके फाइन, अर्शी के रूम में वर्जिन बॉक्स रखा हुआ है, उसमें दवाई है, दे दो, सो जाएगी ना, सुबह तक आराम आ जाएगा उसे। अगर आप चली चलती तो शैलजा, तुम इस टाइम पे मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो? मैं बहुत मूड में हूँ, कहा ना तुमने, बॉक्स में देखो एक ब्रूफेन दवा होगी, ठीक है, उसे उसका बुखार नहीं हो जाए, प्लीज उसे पिला दो और जाके सो जाओ प्लीज। तो बेसिकली इस सूरत में मैं यही कहूंगा कि अगर आप इतना ज्यादा रिलक्टेंट हैं और इतने ज़्यादा आप बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो बेहतर है कि फिर ऐसी सूरत में आप बच्चों को प्लान ना करें। जब आप ये ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल हों, जब आप ये समझें कि अब हम जो हैं कुछ सही तरीके से सेटअप को आगे दे के चलते हैं, उस वक्त फिर आपको बेबी प्लान करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके इस तरह के एक्शंस के नतीजे में जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चा है, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी। चल यार, मैं निकलती हूँ। खरी, क्या हो गया है? अभी आए हुए तुझे आधा घंटा नहीं हुआ है और जाने की रट लगा के रखी तूने। तूने इंसिस्ट किया तो मैं आ गई, वरना तो तू रास्ते से टालकर चली जाती। क्या यार आयशा, कॉलेज के बाद हम आज मिल रहे हैं, इतनी सारी बातें करनी है हमें, लेकिन तू है के यार, पता है बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ के आना। हाँ तो इससे प्रॉब्लम क्या है? संभाल ही सकता क्या वो? संभाल तो सकते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को देखना, उनकी जरूरियात का ख्याल रखना, और हस्बैंड के लिए एक दिन तो होता है संडे का, एक दिन तो रेस्ट बनता है ना उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, इसे भी कुछ समझाओगे? ये भी अपने शौहर का, अपनी बेटी का ख्याल तो रखे। व्हाट डू यू मीन? मैं ख्याल नहीं रखती, जॉब करती हूँ, मेरी भी इनकम इस घर में आती है, पूरी तरह से पार्टिसिपेशन है मेरी। आई एग्री, लेकिन जो करना चाहिए ना वो तो नहीं करती ना, ना बेटी की लुक आफ्टर, ना कुकिंग, कोई दूसरा काम ना। नहीं, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की इतनी कि चूल्हा चौखा करती रहूं। अर्शी कहाँ है? उससे भी मिल लेती मैं। वो बेटा को रात बहुत तेज बुखार था, सारी रात जागती रही, अब सो रही हूँ। ये क्या कह रही हैं? अगर अर्शी को बुखार था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? जी वो महान दीदी को बताया था, मगर ओ प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन। एक मामूली सा बुखार ही तो था, दवा से ठीक हो गया ना, व्हाट द बिग डील? माहम, तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए। आयशा, मुझे ख्याल है, इसलिए तो नैनी को रखा है, और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। इसका काम है, इस बात की से सैलरी मिलती है। देखो माहम, कोई भी नैनी माँ की जगह नहीं ले सकती। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा था कि हेल्पर रखवा दूं, मगर मैंने उनको मना कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग रख सकूं, ना कि किसी नैनी से बच्चों की। आयशा प्लीज, अब तू लेक्चर देना शुरू मत हो जा, वैसे ही घर में एक लेक्चरर काफी है। चल यार माहम, मैं चलती हूँ, हस्बैंड और बच्चे वेट कर रहे होंगे मेरा, और वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। आफरीन, एक तुम्हारी दोस्त है और एक तुम, जिसे कोई फिक्र ही नहीं। साबिर, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे? मामूली सब बुखार ही तो था ना, मौसम बदलता है तो हो जाता है। बाहर के मौसम का तो मुझे नहीं, लेकिन मेरे घर का मौसम ठीक नहीं। कैसी माँ? जाके उन माओं से पूछो जो औलाद के लिए तरस रही है। तुम्हें तो अल्लाह ने बेटी दी है, लेकिन तुम कोई फिक्र नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीरियसली, तुम्हें फिक्र है?
तो ठीक है, अर्शी के पास घर में तुम रहो, घर का खर्चा मैं चला लूंगी, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर कोई भी शख्स कोई गलत काम करता है तो कहते हैं कि आप उसको अकेले में अगर बताएंगे समझाएंगे तो उसकी इसलाह करेंगे, और अगर सबके सामने बताएंगे तो आपने उसके उस मर्ज को, उस खराबी को, उस बीमारी को, उस बुराई को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस स्टोरी में भी इसी तरह से होता है कि वो उसकी फ्रेंड के सामने ही उसको कहता है कि इसको आप समझाएं। तो बेसिकली इस तरह की सिचुएशन में होगा क्या कि वो खातून तो पहले ही बच्चे को तवज्जो नहीं दे रही, अब वो और ज़्यादा घर की तरफ से भी बदजन हो जाएगी, अपने शौहर की तरफ से भी उसका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाएगा। होना ये चाहिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो आप अकेले में बताएं, थोड़ी सी काउंसलिंग करें, और जो कंपैरिजन है वो नहीं करना चाहिए। यानी आप समझा भी रहे हैं तो आप इस तरह से ना कहें कि आप उसको देखो वो कितने अच्छे से लेके चलती है, क्योंकि कंपैरिजन से भी नेगेटिविटी पैदा होती है माइंड में। दो महीने होने को है, साबिर तो बिस्तर से लग के रह गए। भाभी, साबिर की जगह ऑफिस में किसी और को रख लिया है। लास्ट मंथ तो सैलरी दे दी थी, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट कह रही है कि अब हम नहीं कर सकते। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तो इनकी बीमारी की वजह से मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, सारी सेविंग इनके इलाज पे लग गई, और अब तो इनकी नौकरी भी गई। माइंड मत कीजिएगा भाभी, साबिर की इस हालत की जिम्मेदार काफी हद तक आप हैं। साबिर हर वक्त डिस्टर्ब रहता था अपने घर के माहौल की वजह से, अपनी बच्ची की फिक्र में, जिसका उसे सदमा लगा है, और आज ये अच्छा भला इंसान बिस्तर पर जा चुका है। मुसीबत में फंस गई हूँ मैं, मेरी तो सैलरी भी इनकी सैलरी से हाफ है, और अगर उनका ख्याल रखती हूँ झोंपे नहीं चाहती तो मैं तो उससे भी जाऊंगी, क्या करूं? आप लोग मेरी कुछ हेल्प कर सकती हैं? कैसी हेल्प? एक्चुअली इनकी बीमारी फिजियोथेरेपी की वजह से दवाइयां, घर खर्च में पैसे, मेरी सैलरी खत्म हो चुकी है, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके तो। आई एम सॉरी बाबी, मैं अपना घर चलाने वाला वाहिद बंदा हूँ और मेरी फैमिली पूरी मुझ पर डिपेंडेंट है। मेरी बीवी मेरा घर और बच्चे संभालती है ताकि मैं सुकून से जॉब कर सकूँ, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपके लिए एक हेल्पर का इंतजाम करा सकूँ ताकि वो आपकी गैर मौजूदगी में साबिर का ध्यान रख सके जब आप घर पर ना हो। हाँ, लेकिन वो सैलरी लेगा, अगर आपका इरादा हो तो बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। खाना तैयार है, अगर आप बोलें तो साहब के लिए यखनी भी बना दूं। हाँ, नहीं बल्कि बल्कि रहने दो, आपके लिए खाना लगा दूं। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम अपना आज तक का हिसाब करो और यहां से जाओ। समझी नहीं बीबी, इस
बीच में ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है? हिसाब करो और जाओ। मुझसे कोई गलती हो गई? शनीरा तुम मुझसे इतनी बहस कर क्यों रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फाइनेंशियली कितनी डिस्टर्ब हूं? मैं अब तुम्हारी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे साबिर के लिए भी एक केयरटेकर की जरूरत है। साहब का तो मैं भी ध्यान रखती हूँ। शनीरा बहुत सी जगहों पे उन्हें मेरी जरूरत है और मैं वो सब नहीं कर सकती। इसके लिए एक हट्टे खट्टे इंसान की जरूरत, एक मर्द की जरूरत है और जो पूरी तरह से उसे लुक आफ्टर कर सके। तो मैं दो दो सर्वेंट कैसे अफोर्ड करूंगी? तो प्लीज तुम जाओ यार। मां बीबी, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे नौकरी से मत निकालो। आप मुझे तनख्वाह भी मत देना, बस दो वक्त की रोटी बल्कि एक वक्त की रूखी सूखी खा के एक कोने में पड़ी रहोगी। मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरा आप लोगों के सिवा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। और फिर अर्शी बेटा भी तो मेरे को कर नहीं रह सकेंगे ना। और कहना क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी बच्ची को नहीं संभाल सकती? नहीं जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये शनीला भूलो मत कि तुम अर्शी की नैनी हो, सिर्फ एक आया। जब तक तुम्हारी जरूरत थी ना तब तक थी, पर अब नहीं है। सो प्लीज क्या तुम जाओ। तो बजाहिर तो ये सही लगता है, लेकिन जो बच्चा है उसको निगलेक्ट कर दिया गया टोटल, और ये नहीं सोचा कि अब बच्चे की लुक आफ्टर कौन करेगा, क्योंकि बच्चा तो उसके साथ टोटली अटैच है। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? बच्चा जो है वो सब उसको मिस करेगा। ठीक है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि वो जो बच्ची है उसके दिमाग पे, यानी फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, घर का माहौल ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली ये चीज़ें होती क्यों हैं? जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते तो कोई भी अगर बर्डन पड़ता है, कोई भी अनसीन इवेंट क्रिएट होता है आपकी लाइफ में, तो आप फौरन से जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती होकर फैसले करते हैं, फिर जो सही लगता है वो करते हैं, और अमूमी तौर पर जज्बाती फैसले हमेशा गलत होते हैं, जिसका फिर आपको बाद में पछतावा होता है। अबे यार, अब करो गंदगी इनकी साफ। अजीब मुसीबत है यार। अरे क्या चांद की तरह पूरा बोझ मुझ पे डालोगे क्या? थोड़ी खुद भी हिम्मत करो। अरे यार, अपनी गन में गिराओगे क्या? अबे यार, दिहाड़ी के चक्कर में कहाँ फंस गए? मैडम मेरा हिसाब कर दें। हिसाब किस चीज का? जो चार दिन मैंने काम किया उसके। क्या मतलब है इस बात का? तुम काम छोड़ के जा रहे हो क्या? हाँ, अकेले मुझसे नहीं होता। या तो मेरा हिसाब कर दें या कोई दूसरा हेल्पर दें मुझे। हेल्पर? अरे एक एक काम के लिए दो दो लोगों की क्या जरूरत है? फिर इन्हें खुद ही संभालें। मुझे मेरे 6,000 रुपए दे दे। 6,000 किस बात के?
दूसरे लोगों से पर डे में 2,500 रुपए लेता हूँ, पर अनीस साहब की वजह से मैं 1,500 रुपए ले रहा हूँ। 4 दिन के 6,000 हुए, मुझे मेरे पैसे दे दे बस। ऐसे कैसे? अरे भाई मुझे मेरे पैसे दे दे, मुझे जाना है। शनीला को मैंने पूरे महीने के 3,000 रुपए दिए और तुम मुझसे 4 दिन के 6,000 रुपए ले रहे हो। किसी की मजबूरी का ना इससे फायदा नहीं उठाते। इस प्रोग्राम के तवस्त से मैं ऐसे तमाम प्रोफेशनल्स को ये कहना चाहूँगा जो इस फील्ड में हैं कि अपनी रोज़ी को हलाल करें। देखें अगर आप कहीं जाते हैं तो ये खिदमत भी है। देखें आपको वहाँ से रिस्क तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी खिदमत है, ये इबादत है कि आप भरपूर टाइम दें, दिल से काम करें, उसको बोझ ना समझें। क्योंकि जब जब आप उसको दिल से करेंगे, उसको सही तरीके से टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, उसकी दिलजोई करेंगे, उसकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर तक पहुंचेगी। आप लोगों के घर में खुशहाली होगी, सेहत होगी, बरकतें होंगी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मुझे खाना नहीं खाना। क्यों? खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना। मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ खाना, और तुम होके खाना जाया कर देती हो। वैसे ना आसमान से उतरते हैं ना ही पेड़ पे उगते हैं। मुझे घर का खाना खाना है, वो भी नैनी के हाथ का। नैनी? नैनी कोई नैनी वाली नहीं आने वाली है। चुपचाप से खाना खाओ वरना। आप निकल जाए यहाँ से, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। निकले यहाँ से, चले। मेरी औलाद होकर वो गुम जा रही उस दो टके की नैनी के। सब कुछ मैं करूं, हर एक्सपेंस मैं उठाऊं, घर में अकेली कमाने वाली मैं, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आती। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि आई जस्ट हेट यू। और ये पेन पर भी यही छोड़ के गया है। और ये साहब, इन्हें देखो, आराम से बिस्तर तोड़ रहे हैं। एक हेल्पर रखवाया था कि काम आसान, तुम्हारे लिए आसानी हो, मेरी भी आसानी हो, लेकिन नहीं, उसे भी भगा दिया। क्या किसी दिन के लिए शादी की थी मैंने कि शौहर और बेटी की गुलामी करो और साथ साथ जरिया फोड़ दियो तुम? साबिर इस बेदार मत करो, चुपचाप वहीं पड़े रहो। क्या मुसीबत है? प्लीज गिर गिर गया बिस्तर से तो खाने की मुसीबत पड़ जाएगी। अच्छा वही रुको, आ रही हूँ मैं, हिलो मत। क्या है, कुछ कहना चाह रहे हो? क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साबित
देखो महाम, मैं तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाने नहीं आई और ना ही तुम्हारी परेशानी कम कर सकती हूँ। हाँ, अलबत्ता ये जरूर समझ सकती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। क्या आयशा, मेरी अर्शी मुझसे दूर हो गई है। यार ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ मैं दोहरा रही हूँ साबिर भाई के अल्फाज, तुमने खुद ही कहा था ना कि पूरे 2 महीने में उन्होंने सिर्फ यही बात कही है, तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तुम अपने घर और घर वालों को फौकियत ना देके करियर के पीछे पड़ी रही, तो ये सब कुछ तो होना था ना। बेचारे साबिर भाई, उनका सब्र टूट गया और वो इस हाल पे पहुंच गए। माँ तो अपने बच्चों से बहुत करीब होती है, तुम कैसी माँ हो कि तुम इस रिश्ते को महसूस ही नहीं कर सकी? तुम क्या समझती हो कि मैं जॉब नहीं कर सकती? नहीं, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को वैल्यू दिया, अपने घर को वैल्यू दिया। माँ हम पता है तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा उस नैनी से करीब थी, और तुमने क्या किया, और तुमने उन्हें अफोर्ड ना करने का कह के घर से निकाल दिया। आज के दौर में 3,000 रुपए महीने में ये घर के काम और जिम्मेदारियां कौन उठाता है, और उन्होंने तो एक अच्छी माँ होने का रोल अदा किया है। और तुम जिस हेल्पर को लेकर आई थी वो तो पीठ दिखाकर चला गया, और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि तुम अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जॉब पर चली जाती हो। तुम्हें पता है साबिर भाई माजूर हैं, लाचार हैं, और तुम किसके हवाले करके जाती हो? कभी सोचा है अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो? और तुम्हें पता है वहां उस नैनी की वजह से तुम्हारी बेटी अपने घर में सेफ थी, और तुमने क्या किया, तुमने उसे ही निकाल के बाहर फेंक दिया। तो अब मैं क्या करूं? तुम अब भी मुझसे पूछोगी कि तुम क्या करो? मुझे मेरे किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे महम बीबी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अरे नानी, आप कहाँ चली गई थी नानी? मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है ना कि मैं आपसे कहानी सुने बगैर रहती नहीं हूँ। चलो अब मैं आ गई हूँ। आप वापस तो नहीं जाएंगी ना? नहीं, I'm sorry बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, ना ही किसी की फिक्र की और ना ही कदर। लेकिन बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, अपने घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं जॉब तक छोड़ दूंगी। अरे नहीं मां बीबी, अब तो इस घर का खर्चा आप ही चला सकती हूँ, मैं साहब का बहुत ख्याल रखूंगी एक माँ की तरह, ये मेरे बेटे जैसे हैं, और आप सबका बल्कि ख्याल रखूंगी। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू नैनी। नैनी, माँ ने उसको निकालने में एक लम्हे का भी आसरा नहीं किया, और इन चीज़ों को नहीं फोकस किया कि इसका बाद में बच्चे पे क्या असर होगा, जो कि इवेंचुअली हम इस स्टोरी में देखते हैं कि फिर बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन फिर डिफरेंटली रिएक्ट करता है। जब आप लोग बॉन्डिंग में होते हैं, एक सिंक स्टेट में होते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है विच इज़ कॉल्ड लव हार्मोन। तो जब वो इम्बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में भी दिमाग में थोड़ा सा एक इंतशार पैदा होगा, उसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी में इंतशार पैदा होगा,
बच्चा जो है वो अच्छा फील नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, बिहेवियर उसका ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस स्टोरी में। क्या ही अच्छा होता कि चीज़ों को सही तरीके से हैंडल किया जाता फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता, बच्चे को टॉप प्रायोरिटी रखा जाता। लेकिन चूँकि इस फैमिली में बच्चा कभी भी टॉप प्रायोरिटी नहीं था, तो उसका नतीजा फिर इसी तरह से नज़र आता है।